फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्वाति साइंस क्लासेस। दिस इज स्वाति हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। दिस इज द वर्कबुक ऑफ चैप्टर नंबर 16। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। टिक द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। वेस्ट मटेरियल डेट कैन बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे मटेरियल जो कि ईजिली ब्रोकन हो जाते हैं और या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ऐसे सब्सटेंसेज को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे किचन के वेस्ट, जैसे कि पील्स होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स, यानी कि पील्स मतलब होते हैं छिलके, लीव्स, ड्राई लीव्स, काउडंक, फ्लावर, पेपर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है पेंसिल सेविंग्स, प्लास्टिक, आयरन, रबर टायर। तो इसका राइट आंसर होगा पेंसिल सेविंग्स, यानी कि पेंसिल सेविंग्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से कौन है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? अब हम जानते हैं पहले कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। वेस्ट मटेरियल डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे मटेरियल जो कि ईजिली नहीं ब्रोकन होते हैं, नहीं सड़ते हैं या गलते हैं या फिर डिकम्पोज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ऐसे सब्सटेंसेज को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लास्टिक के बैग्स, बकेट्स, मग्स, टॉयज, ग्लास के बॉटल, ग्लास के पीसेज, बल्ब, ईटीसी, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है प्लास्टिक, पील्स ऑफ फ्रूट्स, ड्राइड लीव्स, पेपर। तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, वी कैन मेक कंपोस्ट फ्रॉम, हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, यानी कि कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। इसके ऑप्शंस हैं ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, किचन वेस्ट। तो किचन वेस्ट इसका राइट आंसर होगा, किचन वेस्ट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वी कैन रिसाइकिल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन है बर्निंग, यानी कि जला करके, यूजिंग देम इन लैंडफिल्स, लैंडफिल्स में उसको यूज करके, थ्रोइंग देम इन वाटर, उनको पानी में फेंक करके, या फिर मेकिंग कंपोस्ट ऑफ देम, उनका कंपोस्ट बना करके। तो इसका राइट आंसर होगा मेकिंग कंपोस्ट ऑफ देम। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं उनको, उनका खाद बना करके। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म टू द इन्वायरमेंट। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि इन्वायरमेंट में हार्म पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट को? तो ऑप्शन है प्लास्टिक, मेटल, वुड, पेपर। तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन कंस्ट्रक्ट हाउसेज ऑन अ लैंडफिल, हम लैंडफिल पे घर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना, हाउसेज मतलब होता है घर। और लैंडफिल का मतलब होता है ऐसे जो ऐसे ज़मीन जहाँ जो हमारे घर से कूड़ा कचड़ा लेके जाते हैं कूड़े वाले, वो क्या करते हैं ऐसे जगह ले जा करके किसी फील्ड में या खुले स्थान पे, वहाँ पे पूरे कूड़े कचरे को फैला देते हैं और ऊपर से सॉइल की एक लेयर बिछा देते हैं और उसको एज अ प्लेग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड यूज़ करते हैं। लेकिन हम उस पर घर नहीं बना सकते हैं करीब 20 साल तक। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सेकेंड है, द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। जो गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा का जो डिस्पोजल होता है वो क्या सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है? इसका आंसर होगा फॉल्स। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी ध्यान से कूड़ा कचरा को फेंकें, जहाँ फेंकने की जगह वहीं पर फेंकें, इधर उधर ना फेंकें। थर्ड है, कंपोस्ट इज़ बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। कंपोस्ट यानी कि खाद और केमिकल फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक से जो है वो कंपोस्ट से बेटर होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ट्रू। जी हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर कंपोस्ट होता है, यानी कि खाद होता है, क्योंकि खाद जो है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वहीं पे केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो हानिकारक होता है। फोर्थ है, रेड वर्म्स हेल्प इन वर्मी कंपोस्टिंग। रेड वर्म्स जो होते हैं वो वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा ट्रू। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस होता है वो रेड वर्म्स के ही थ्रू होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ कबाड़ी वाला बायज वेस्ट फ्रॉम अस एंड देन रिसाइकिल्स इट। जो कबाड़ी वाला आता है हमारे घरों में, वो हमारे घरों से वेस्ट मटेरियल को ले जाता है और उसको वो फिर रिसाइकिल करता है। इसका आंसर होगा ट्रू। जी हाँ, वो हमारे घर से वेस्ट मटेरियल ले जाता है जो कि हमारे लिए वेस्ट होता है, लेकिन वो उसको रिसाइकिल करके उसको फिर से यूजफुल बना देता है कबाड़ी वाला।
नेक्स्ट है क्लासीफाई देम इंटू बायोडिग्रेडेबल बी और नॉन बायोडिग्रेडेबल एन। हमको इनको बी और एन में क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट है एप्पल पील यानी कि सेब का छिलका, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, तो इसका आंसर होगा बी। सॉडस्ट यानी कि बुरादा, ये भी बायोडिग्रेडेबल में आता है, ये भी आसानी से ब्रोकन डाउन हो जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। प्लास्टिक के ग्लास जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि ये आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं। ड्राइड लीव्स भी बी में आएगा क्योंकि ये आसानी से गल जाता है, सड़ जाता है। पेंसिल सेविंग्स भी बी में ही आएगा। एग सेल्स जो होते हैं वो आसानी से नहीं रॉट होते हैं, आसानी से ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, इसलिए ये एन में आएगा। ब्रोकन ग्लास भी एन में आएगा और कोक कैन भी एन में आएगा। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 16 का जो वर्कबुक है वो मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो मेरे स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल आइकन, बिकॉज वेन एवर आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू गॉट नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ।